नया साल मुबारक हो हमारे सारे साथियों को, हमारे सारे होम्योपैथिक डॉक्टरों को, सारे स्टूडेंटों को और सारे वेलविशरों को। आज हम आपके सामने आपको अपने दिल से आने वाले साल के जो दिन हैं, रात हैं, उसमें हम प्रे करें आप लोगों के लिए, पीस के लिए, अमन के लिए, सुकून के लिए, चैन के लिए मेरे साथियों। और इस नए साल के मौके पे हम आपके साथ एक मेडिसिन ऐड करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो भी चंद सालों से मेरी कोशिश है उसको यूज़ कर रहा हूँ और बहुत सक्सेस है। बहुत रेयर मेडिसिन है, लेकिन इस रेयर मेडिसिन में जो जान है उसका जवाब नहीं। मैंने ज़िंदगी में हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से बाहर बहुत सारे शहरों में, मुल्कों में मौका मिला प्रैक्टिस करने का, देखने का, तो उसमें जैसे लखनऊ का इलाका था, लखनऊ में मैंने ये देखा कि वहाँ मुझको कुछ मेडिसिन बहुत कॉमन थे, जैसे एंटीम क्रूड बहुत कॉमन, बैप्टिशिया बड़े कॉमन। अगर एक दिन में मैंने 10 केस देखा है तो उसमें 5 या 7 ये मिल ही जाते थे। जब मैं इमिरेट्स में था वहाँ कलकेरिया आर्स बहुत मिलता था, स्पेशली जो फलस्तीन के लोग होते थे उनमें एकोनाइट बहुत मिलता था, ओपियम बहुत मिलता था। ठीक इसी तरह हम जो प्रैक्टिस करते हैं उसका जो मेजर पार्ट है वो मिडिल क्लास के लोग हैं, स्पेशली देहात से जो आते हैं। देहात की औरतें आज भी बंगाल में बहुत हार्ड वर्क करती हैं, धान कूटना, गेहूं लाना, धान को फिर चावल में, राइस में तब्दील करना, बड़े बड़े भारी भारी ड्रम उठाना, बस्ता उठाना, लेके जाना, इस पर बहुत कांस्टेंट इंजरी होता रहता है, स्पेशली फीमेल्स में, इनके यूट्रस में स्ट्रेन पड़ता रहता है, स्प्रेन पड़ता रहता है, ओवरलोडिंग होती रहती है। और ऐसे केस में औरतें जो हैं बहुत जल्दी इनके अंदर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का सेंसेशन डेवलप हो जाता है। यहाँ हमको रस्टस मिलता है, रस्टस की मॉडलिटी नहीं होने की वजह से उसका डिज़ायर मिल्क का जो बहुत स्ट्रॉन्ग हम पसंद करते हैं, देखते हैं प्रिस्क्राइबिंग के लिए, वो नहीं मिलता। और आर्निका का जो आर्निका साइन हम देखते हैं वो नहीं मिलता, यानी कि फोरहेड का गर्म होना और नाक का ठंडा होना, पाँव का ठंडा होना, ये नहीं मिलने से अभी प्रोलैप्स के केसेस। और ख़ास तौर से जब ओवरी सेंसिटिव हो जाता है, ओवरी, यूट्रस और थोड़ा सा सिम्टम अर्ली मेनापॉज का होता है, जैसे कि वर्टिक्स का बहुत गर्म होना और उसके साथ पाँव में क्रैम्प उठना और पेट थोड़ा सा बल्की हो जाना, बल्कि यूट्रस में भी हम ये मेडिसिन यूज़ करते हैं। और मिडिल और लोअर पोटेंसी में रिपीटेड डोज में यूज़ करते हैं और बहुत लाजवाब रिजल्ट आ रहा है। यूट्रस के भारीपन होने की वजह से प्रोलैप्स होने लग रहा है, स्ट्रेन स्प्रेन की वजह से प्रोलैप्स होने लगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की वुमेन, बहुत लोगों का खाना खड़े होकर पकाने के लिए, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली दे आर वेरी नर्वस होते हैं, ये लोग बुरी बात नहीं होते हैं, वेरी टॉकेटिव। ऑल टुगेदर गिव मी अ क्लू फॉर प्रिस्क्राइबिंग फ्रैक्शनस अमेरिकनस, लोअर पोटेंसी और मिडिल पोटेंसी, रिपीटेड डोजेस। माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू फॉर सक्सेसफुल लाइफ इन 2019 ऑनवर्ड्स, इवन इन 2019
यू विल गेट अ ब्राइट फ्यूचर. थैंक यू.